इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले मेरे को एक चीज का जवाब दो कि हमने डायपोल का एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ई निकाला था। अब वो जो ई निकला था ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, वो पी पी कॉस थीटा पी साइन थीटा एक्सियल इक्वेटोरियल वेक्टर सम, क्योंकि वो वेक्टर था, ये स्केलर है। इसके अंदर आपको अगर वी निकालना है किसी भी डायपोल के एनी पॉइंट पे, जैसे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जैसे सपोज करो आपको कोई भी एक डायपोल गिवन है और डायपोल कुछ ऐसा गिवन है, ये लो ये एक डायपोल है माइनस क्यू और क्यू, आधा आधा डिस्टेंस ए और ए, आपको इस पॉइंट पे कहीं पर वैल्यू निकालनी है किसकी, आर डिस्टेंस पे वी की एट एन एंगल ऑफ थीटा। सिंपल बात है क्या कि अगर सपोज करो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको पता हो, जैसे ये डिस्टेंस है आर वन और ये डिस्टेंस है आर टू, तो वी की वैल्यू माइनस क्यू की वजह से क्या निकल के आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर वन और क्यू डिवाइडेड बाय आर टू। क्या स्टेप क्लियर है, माइनस क्यू भी वी लगाएगा और क्यू भी वी लगाएगा, कोई डाउट इसमें, आंसर आ जाएगा। पर एक प्रॉब्लम है, आर वन आर टू आपको गिवन नहीं होता, क्यों, क्योंकि आपको जो रिजल्ट्स हैं डायपोल के वो दो फॉर्म में निकालने होते हैं, आर में और ए में। जो स्टैंडर्ड है वो आर होता है और ए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर और ए में था, आर वन आर टू में नहीं था। तो आपको आर वन आर टू को निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आर एंड ए, आर और ए की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये सपोज एक परपेंडिकुलर, मैंने यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर लिया, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लिया, सच दैट अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा इज एक्स अपॉन ए, तो ये टर्म क्या आएगी, ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो डायपोल है वो बहुत छोटा है, डायपोल तो बहुत छोटे होते हैं, डायग्राम बहुत छोटा है और ये डिस्टेंसेस बड़े हैं, अप्रोक्सीमेटली, मैं फिर कह रहा हूँ एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली ये जो लेंथ है जो मैं ब्लू कलर की कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। कैसे, जो आर वन है वो इक्वल टू नहीं, नियर अबाउट क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस आर है और ये क्या है, ए कॉस थीटा। तो क्या बनेगा आपके पास, आर वन इज इक्वल टू या नियर अबाउट आर प्लस ए कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम ले ली। उसी तरीके से यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, सच दैट अगर ये ए ये थीटा तो ये भी क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम। तो आर टू नियर अबाउट लिया जाता है, ये टोटल आर है, आर में से माइनस किया ए कॉस थीटा, ये रहा। तो आर टू की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल ली जाती है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो आप अगर अपने डायग्राम में चेक करें तो ये डायग्राम है, माइनस क्यू क्यू ए ए, आर डिस्टेंस पे वी निकालना है, आर वन एंड आर टू, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा, तो आर वन अप्रोक्सीमेटली आर प्लस ए कॉस थीटा, आर टू अप्रोक्सीमेटली आर माइनस ए कॉस थीटा। तो वी हम निकाल चुके हैं, आर वन आर टू हम निकाल चुके हैं, इस आर वन को यहां पुट करेंगे, आर टू को यहां पुट करेंगे, तो ये टर्म आएगी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, ये टर्म इधर आर से आर कैंसिल, ये टर्म आएगी और क्यू इंटू टू ए क्या होता है पी। तो ये फॉर्मूला नोट कर ले फॉर्मूला रजिस्टर में, जिसके अंदर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला इसके इक्वल होगा। और एनसीईआरटी की डेरिवेशन है, प्लीज फॉर एनसीईआरटी डेरिवेशन है। तो इसमें किसी भी डायपोल के एनी पॉइंट पर ये वी का फॉर्मूला, वो ये पूछ सकता है कि बताओ एक डायपोल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही,
कि एक डायपोल है, डायपोल के एनी पॉइंट पर वी है, आप एक्सियल लाइन पे वी की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो एक्सियल लाइन के लिए थीटा क्या लेना पड़ेगा, जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, वन। आंसर तो ऑब्जेक्टिव में आएगा सीधा, ऑप्शन मार्क करने को तो सीधा ये ऑप्शन गिवन होगा। तो पहले फॉर्मूला याद होगा तभी एक्सियल होगा, तो ये भी लिख लो अपनी फॉर्मूला बुकलेट में, एक्सियल लाइन में थीटा इज इक्वल टू जीरो पे ये वी का फॉर्मूला। इक्वेटोरियल पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पे 90 डिग्री होता है एंगल, तो कॉस 90 जीरो, इक्वेटोरियल पे वी क्या होगा, जीरो। ऑब्जेक्टिव मार्क करने को आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो तीनों फॉर्मूलास को इसको नोट करो।